हेलो फ्रेंड्स, मैं चरण में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपके साथ कर रही हूँ, जो शेयर ये मैं चाहकर भी फिर कभी आपके साथ शेयर कर नहीं पाऊँगी। मेरे कहने का मतलब है, ये वीडियो तब का है तब मेरे सासू माँ हमारे साथ थे और आज इस दुनिया में वो नहीं रहे हैं। 2 साल हो गए हैं उन्हें, आज उन्हें 2 साल हो गए हैं, ऑफ हो गए हैं वो और हमें छोड़ के चले गए हैं। तो बस उसी कारण से 2 साल मैंने ये वीडियो वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तब की मेरे सासू माँ ऑफ हो गए थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं और आज मैं ये वीडियो आपके साथ कर रही हूँ सर। तो हम आ गए हैं मारवाड़ जंक्शन और हम कुल 8 या 9 मेंबर जा रहे हैं। हम सब परिवार के हैं और हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मेरी 3 बच्चे हैं, मेरे बड़े ननंद भाईसा हैं वो हैं और हम हरिद्वार कुंभ महास्नान करने के लिए जा रहे हैं। मेरे सासू माँ की बहुत इच्छा थी कि उन्हें हरिद्वार स्नान करना है जीवित। उनका कहना एक ही था कि मुझे जीवित स्नान करना है, मरने के बाद तो मुझे जाना ही नहीं हरिद्वार, मैं अपने बच्चों के हाथ से जीवित स्नान करना चाहती हूँ। तो उसी कारण से उस टाइम क्या कोविड चल रहा था और बिल्कुल भी हम जो सांस की तकलीफ़ होती है वो नहीं जा पा रहे थे। तो ये सब हरिद्वार स्नान करने का पूरा श्रेय हमारे गांव के कुलदीप सिंह जी हैं, डॉक्टर साहब, उनकी वजह से ही हम जा पा रहे हैं। उन्होंने कोविड के पूरे कार्ड बना के हमें दे दिए थे ताकि आगे जाके हमें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बस यहाँ पे वो कार्ड हमें कुलदीप सिंह जी ने दे दिए हैं, यहाँ पे वो हमें आगे जाके दिखाने हैं क्योंकि हर जगह अलग अलग जो है चेकिंग चल रही है। बहुत ही मुश्किल था उस टाइम जाना जिस टाइम हम गए थे। तो फ्रेंड्स, जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट हैं वो हमें मिल गई हैं यहीं से ताकि हमें आगे जाके कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये मारवाड़ जंक्शन का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और आदर्श रेलवे स्टेशन का इनको दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम सभी जो हैं बैठ गए हैं रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं सभी के मास्क लगे हुए हैं। कोविड के टाइम का वीडियो है तो अभी मैं वॉइस ओवर करके आप सबके साथ पूरा वीडियो शेयर कर रही हूँ और आप ये पूरा वीडियो देखें। तो यहाँ पे मेरे ननंद भाईसा गीता भाईसा हैं और मेरी मम्मी भी साथ में हैं। तो मेरी मम्मी अपने खर्चे से ही साथ में चली थी, उनका मानना है कि बेटी के घर का वो एक दाना भी वैसे भी यहाँ लेते नहीं हैं। जोधपुर के हैं मेरी मम्मी और वो अपने खर्चे से हमारे साथ चले हैं, हमसे कोई भी खर्चा नहीं लिया है। जैसे सासू माँ हमारे साथ रहते थे, मैं सबसे छोटी बहू हूँ, हम 4 देनानी जेठानी हैं और उसी तरह मेरे जो मम्मी हैं वो भी मेरे छोटे भाई के साथ रहते हैं। तो मेरे छोटे भाई ने ही इनको जो है वो सब यहाँ का जाने का खर्चा मेरी मम्मी का मेरे हस्बैंड को दे दिया है। उनका मानना है कि हम जो कन्या होती है हमारी बेटी उनका हम नहीं लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हम हरिद्वार जा रहे हैं वो ट्रेन आ गई है, योगा एक्सप्रेस, तो इसी में हम सब जो हैं जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके जितने भी बेटे बेटियां हैं वो साथ रहें और उनका प्यार हमेशा बना रहें। तो वैसे ही मेरे सासू माँ की यही इच्छा थी कि उनके सभी बेटे और जो बहनें हैं पूरा परिवार उनके साथ रहें और वो बहुत ही खुश मिजाज के थे, बहुत ही अच्छे थे, उनका बहुत अच्छा दिल था। मेरे और मेरे सासू माँ का बिल्कुल भी सास बहू वाला रिश्ता नहीं था, माँ बेटी वाला रिश्ता था। वो मेरी माँ से कम प्यार नहीं करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वैसे हर किसी के सास बहू की इतनी नहीं बनती हैं, हमारी बहुत बनती थी। जैसे कि वो मेरी माँ ही हैं, 2 साल तक मैं बिल्कुल भी जो है उन्हें भूल नहीं पाई हूँ और अभी भी उनकी कमी हमें बहुत लगती है। वॉइस ओवर करते करते मुझे 2 बार जो है रोना आ गया था। वैसे माँ बाप को सबको ज़रूरत होती है, सबको अपने माँ बाप बहुत प्यारे लगते हैं और उसी तरह मुझे भी अपने सासू माँ से बहुत प्यार था और मेरी इच्छा थी कि वो मेरे बच्चों की शादी करके ही जाएं और उनकी भी बहुत इच्छा थी कि वो अपने पोता पोती की शादी देखें, पर वो इच्छा पूरी उनके मन में ही रह गई, वो नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए बहुत खुश लग रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं तो इनकी इच्छा पूरी हो रही है, बहुत खुश लग रहे हैं, अपने बेटे के साथ फ़ोन में देख रहे हैं। ये पहली बार ही हरिद्वार जा रहे हैं, पहले इन्होंने कभी भी हरिद्वार स्नान नहीं किया है। तो जिनके भाग्य में होता है वही अपने माँ बाप की
सेवा कर पाते हैं और उन्हें गंगा स्नान करवाते हैं। और हमारे भाग्य में ये था और हमने ये किया, हम क्या करें, भगवान के जो इच्छा थी वो हमने की है। और यहाँ पे सभी लेडीज़ जो हैं भजन भाव कर रही हैं। हमें यहाँ रेलगाड़ी में मिल गए थे कुछ लेडीज़ जो बहुत ही आराम से हमारा रास्ता काटा, बहुत अच्छे अच्छे भजन किए गंगा माई के। और यहाँ पे हम सब बहुत खुश थे। और एक कमी जो है सासू माँ की, वो तो पूरी हो नहीं पाएगी। इतना है कि वो जो मुझे सीख देके गए उनकी हर बात मेरे दिल में है और उनकी बातें मैं फॉलो करती हूँ। जो भी मुझे बोल के गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर नहीं सकती, मेरे घर की बातें हैं। तो बस वो इच्छाएं उनकी वो मैं फॉलो कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो हम यहाँ पे देखिए हरिद्वार पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं जो कोविड की वजह से बिल्कुल भी यहाँ पे भीड़ भड़ाका बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा हमें इतना लग रहा था कि सासू माँ को दम आ रहा था और यहाँ कहीं पुलिस उन्हें पकड़ ना ले, तो इस बात का हमें थोड़ा दिल में डर था, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए हरिद्वार में इस तरह से लाइन लगी हुई है। जो भी जो कोविड का RT-PCR रिपोर्ट नहीं लेके आए हैं वो यहाँ पे मिल रही थी। और हमें क्या हुआ कि यहाँ से मिल गई थी, हमारे गांव से ही लेके गए थे। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि कुलदीप सिंह जी की वजह से ही हम जा पाए हैं उस टाइम। तो यहाँ पे कितने जनों को भी फेल कर दिया गया था, जैसे कि 7-8 मेंबर थे तो एक दो को तो रिपोर्ट आई है। तो उसी कारण से हमने यहाँ पे पहले से ही करवा के चले गए थे यहाँ से धामली से ही। तो यहाँ पे बस हमने वो दिखाई रिपोर्ट और हम आराम से चले गए थे। और यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे सैनिटाइज करते थे सभी। मेरी सासू माँ की इच्छा थी कि हरिद्वार जाएं, उस टाइम कुंभ चल रहा था। तो ये बात जो है डॉक्टर साहब से की मेरे हस्बैंड ने, और उन्होंने इतनी मदद की कि आप जाइए पूरी जी, अगर माँ जी की इच्छा है तो उनकी इच्छा आप पूरी कीजिए और आपको आगे जाके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल के जाएं। और सही में तो हमें वो रिपोर्ट निकाल के गए तो हमें बहुत मदद मिली। यहाँ पर हमने देखा था कि बहुत सारे जो थे यहाँ पे यात्री, उनको रिपोर्ट की वजह से आगे नहीं जाने दिया गया था। ये देखिए हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे रोक दिया गया था उन्हें। तो ये पूरा श्रेय मैं कुलदीप सिंह जी को ही देती हूँ, उनकी बहुत मेहरबानी थी कि मेरे सासू माँ को हम हरिद्वार लेके गए और उन्हें गंगा स्नान करा पाए। तो बस हमें यहाँ से रवानगी मिल गई है, रेलवे स्टेशन से हम निकल गए हैं। यहाँ पे मुझे दिल में थोड़ा डर था कि कहीं यहाँ हमें जाने नहीं देंगे और रोक दिए गए, तो हम ये यहीं जो रुक गए तो सासू माँ के क्या होगा। और हम तो आगे भी चल के हरिद्वार आ जाएंगे, पर उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो आगे आ जाएं, इतना ज़िंदा रहे भी नहीं थे। हरिद्वार जाने के बाद 8-9 महीने ही वो ज़िंदा रहे और वो ऑफ हो गए थे, बिल्कुल भी वो बीमार नहीं रहे थे, पर उनको बस दम की शिकायत रहती थी। तो देखिए हम आ गए हैं हर की पौड़ी यहाँ रिक्शा करके, और यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रही है वीना और कुसुम। तो इन्होंने मोबाइल से वीडियो शूट किया तो बहुत ही अच्छा किया और आज हम उनको देख पा रहे हैं। अगर नहीं किया होता तो हम ये वीडियो नहीं देख पाते, और ये एक शेविंग हो गया है, हम उनकी यादें देख सकते हैं जब भी हमारा मन हो। तो यहाँ पे देखिए हितेश खड़ा है और हम सब हर की पौड़ी आ गए हैं और सबके मास्क लगा हुआ है और भीड़ तो बहुत ही कम है। और हमारे गांव में जब हम गए थे तो कुछ जनों ने बोला था कि आप जा तो रहे हो पर आपको जो है वहाँ स्नान कर नहीं पाओगे, आप हर की पौड़ी तो आप जा ही नहीं पाओगे। मेरे सासू माँ को भी बहुत जनों ने बोला था कि आप बाद में जाना, पर भगवान का शुक्रिया है कि हम पहले ही गए, क्योंकि हरिद्वार जाने के बाद तो ज़्यादा वो ज़िंदा रहे ही नहीं सासू माँ, तो उनकी इच्छा उनके दिल में ही रह जाती। तो बस यहाँ पे उसी कारण हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि उनको हरिद्वार स्नान करा पाए। और ये वैसे जिनको जाना होता है, लिखा होता है, वही जा पाते हैं। मेरी मम्मी जोधपुर से आई, बस मैंने बात की थी कि हम हरिद्वार लेके जा रहे हैं मेरी सासू माँ को, तो बस मम्मी की इच्छा थी कि मैं भी चलूँ। तो मेरे भाई, दो भाई हैं मेरे, वो नहीं आ पाए, मैं अपने साथ लेके आई मम्मी को।
तो छोटे भाई ने बोला कि ठीक है साथ में तो लेके जा, पर मैं जो है पैसे मम्मी के खुद ही दूंगा। तो मैंने भी बोला चलो कोई बात नहीं, अगर मम्मी चलना चाह रही हैं, वैसे तो मैं भी बड़ी बेटी हूँ, मम्मी के पैसे नहीं लेना चाह रही थी, पर फिर मेरे भाई ने मना कर दिया कि अगर तू पैसे नहीं लेगी तो मैं मम्मी को साथ में नहीं भेजूँगा। और मेरी इच्छा थी कि हस्बैंड की भी इच्छा थी कि मेरी मम्मी को भी साथ में लेके चलें। दुनिया में चार माँ बाप होते हैं, सासू ससुर जी और हमारे मम्मी पापा। तो उसी कारण से हमारे अगर मानो तो चार माँ बाप होते हैं, नहीं मानो तो हम अपने सगे माँ बाप को भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो नहीं है, अपने मानने की इच्छा होती है, वो हमें पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, हमें कमाने के लायक करते हैं, और हम बड़े होके अगर उनके दो छोटी मोटी इच्छाएं अगर हम पूरी ना कर पाए तो फिर हमें इतना बड़ा करने में क्या फ़ायदा। कि उन्होंने पता नहीं हमें कितना मुश्किलों से बड़ा किया है पाल पोस के, और फिर हम बड़े होके उन्हें कोई भी छोटी मोटी बात के लिए कोसें, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने माँ बाप को हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे मेरे हस्बैंड तो अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करते थे, उनका बस यही था कि जैसे मेरी माँ बोलती है मैं वैसा ही करूं। कभी भी उन्होंने मुझे डांटा होगा पर मेरे सासू माँ को कभी कुछ भी नहीं बोला, और उनका भी बहुत दिल था अपने बेटे पे और बहू पे भी था। बस तो हम यहाँ पे पूजा करवाने के लिए आ गए हैं, और हमें एक तरह से इस यहाँ पे कोविड चल रहा था तो पंडित जी ने बहुत ही आराम से हमें जो है पूजा यहाँ पे करवाई। हम जब रेलवे स्टेशन उतरे तो तभी हमारे ये पंडित जी जो हैं, हर समाज के अलग अलग पंडित जी होते हैं, तो वो हमें लेने के लिए आ गए थे रेलवे स्टेशन पे ही। तो बस हम उनके वहाँ आए और नाश्ता पानी हमने किया, फिर वो सीधा यहाँ पे लेके आ गए, और यहाँ पे हमें कम से कम 2 कलाक हमें मंत्र पढ़वाए और बहुत ही आराम से हमें यहाँ पे पूजा करवाई। अगर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती तो हमें इतने आराम से वो पूजा नहीं करवाते, बस हमें 15-20 मिनट में निपटा देते। तो बस ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हम कोविड में भी आए तो फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और बहुत ही आराम से हमारी पूजा हुई। हमें हर तरह के जो मंत्र पंडित जी ने बोले हम बहुत आराम से वो बोले, और गंगा मैया को फूल अर्पित किए, और बहुत सारे जो मंत्र होते हैं वो पंडित जी ने हमें बुलवाए और हम बोले। तो बस ये हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमने पूजा जो है बहुत ही आराम से की। तो यहाँ पे पुष्प सबको हाथ में दे रहे हैं, और सभी तरह के वो जो यहाँ पे बोले जाते हैं वो मंत्र बुलवाए। मुझे अभी याद नहीं है उन्होंने जो भी बोला उस टाइम, वो मुझे बिल्कुल भी अभी याद नहीं है। बस इनको ये सब बुलवाया कि मैं अपनी माँ को लेके आया हूँ हरिद्वार, और इनकी इच्छा पूरी हो, और ये सब कुछ छोटे मोटे शब्द मुझे याद हैं, बाकी जो मंत्र होते हैं वो याद रहते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे कुछ ये बोल के देखे हितेश भी, यहाँ पे सभी के मास्क लगे हुए हैं। उस टाइम तो बहुत ही मुश्किल था यहाँ आना, जिस टाइम हम आए थे कोविड चल रहा था और बहुत ज़्यादा हमें दिल में डर था, पर हम जब हरिद्वार पहुँचे और वहाँ कोविड से निकले तो हमें बस इतनी खुशी हुई कि अब तो बस हम पहुँच ही गए हैं और हमें कोई भी नहीं रोकेगा। तब तक कि हम वहाँ थे जहाँ चेक कर रहे थे वहाँ हमें थोड़ा डर था, पर भगवान की इच्छा थी वो हमने हमारी पूरी की। भगवान ने हमारी जो दिल से हम भगवान से मांगते हैं वो इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं भगवान। और गंगा मई यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं सच्चे दिल से, तो बस सच्चे दिल से हम आए हैं, तो गंगा माई ने हमारी इच्छा पूरी की, मेरे सासू माँ की भी इच्छा पूरी की। और हम घर से आए तब गंगा माई के लिए चुनरी लेके आए थे, यहाँ मेरी मम्मी भी लेके आई है, मेरे ननंद भाई साहब भी लेके आए हैं, और मैं भी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे 3 ओढ़नी हो गई हैं, और यहाँ जो ये ओढ़नी जा रही हैं आगे यहाँ पे रहते हैं वो ले लेते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम तो हमने बोला कि गंगा माई के ऊपर हमने ये चुनरी उड़ाई है तो आप पहले मत लेना, और जब हम गंगा माई के घाट पे स्नान करते हैं तो एक घुंघरू डालते हैं और कुछ सिक्के होते हैं वो डालते हैं, तो वो भी सब यहाँ पे जो यहाँ काम करते हैं बारमासिया कहते हैं उन्हें, तो वो ही लेते हैं, और भी कोई लेते होंगे तो इतना मालूम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सासू माँ को हम लेके गंगा माई के घाट पे अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे
स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ पे सासू माँ ने हमारे पड़ोसी में और जिसने भी यहाँ पे बोलते हैं उनकी डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए बिल्कुल भी चेहरा जो है वो भीग रहा है, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं भीग रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने जो है यहाँ पे ऊपर से गंगा मई का भर के वो डाल रहे हैं डिब्बा, और अच्छे से स्नान करवा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे सर पे ओढ़नी नहीं है, तो वो पानी की वजह से मैं ओढ़ नहीं पाई। तो बस यहाँ पे अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ कि मेरी साड़ी जो है नीचे आ गई है, तो ये आप स्किप करें। और यहाँ पे जो गंगा माई में स्नान कर रहे हैं मेरी सासू माँ, वो आनंद देखिए उनके चेहरे पे, वो खुशी देखिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है। और यहाँ पे मेरे मम्मी और ननंद भाई साहब वो सब स्नान कर रहे हैं। और ये वीना ने वीडियो लिया है तो अच्छे से लिया नहीं है, जैसा भी लिया है वो शेयर किया है। और मुझे तो यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था कि मैं बाहर निकलूँ। मैंने कम से कम यहाँ पे 1.5 घंटा गंगा माई के घाट पे स्नान किया। फ्रेंड्स, कुछ यादें थी जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं और आपके साथ की हैं शेयर। तो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।